इवनिंग, आज हम लोग क्लास सिक्स का एक चैप्टर ले रहे हैं, एनी विथ एन ई। इसके चैप्टर के चैप्टर हमने पहले रीड कर लिया था, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन है, ये देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, बड़े इजी से दिख रहे हैं। एक क्वेश्चन में थोड़ा आपको जजमेंट लेना पड़ेगा, अदरवाइज और अदर क्वेश्चन आर वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर वन है, मरीला वॉज सरप्राइज बिकॉज। तो मरीला जब डोर खोलती है तो मैथ्यू को देखती है और उसके साथ एक गर्ल को देखती है, तो वो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। क्यों सरप्राइज होती है? शी इज़ एक्सपेक्टेड टू सी ए बॉय। उन्होंने मिसेज स्पेंसर को बॉय भेजने के लिए बोला था, बट उन्होंने भेज दी है गर्ल। तो वो उसको गर्ल को देख के सरप्राइज हो जाती है, एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट, शी हैड एक्सपेक्टेड टू सी ए बॉय। नंबर टू है, द फैक्ट दैट मैथ्यू हैड कम विथ अ गर्ल इंस्टेड ऑफ अ बॉय मेड मरीला। तो क्या हुआ, जो जब वो गर्ल को लेके आ गया इंस्टेड ऑफ अ बॉय, तो मरीला क्या हुई? मरीला एंग्री एट व्हाट हैड हैपेंड। वो थोड़ी एंग्री हुई कि ऐसा क्यों हुआ करके। एनी बर्स्ट इनटू टीयर्स। नंबर थ्री, बिकॉज शी फेल्ट शी वुड बी सेंट बैक। वो जब उनकी बात हुई उन दोनों मैथ्यू की और मरीला की, कि हमने तो बॉय मांगा था, उन्होंने गर्ल भेजी थी, इसको हमको वापस भेज देंगे। तो वो एक्सपेक्टेड थी कि उसको अच्छा घर मिलेगा, अच्छे लविंग पेरेंट्स मिलेंगे, बट उसको वापस घर भेजा जा रहा था अपने उसमें। तो वो थोड़ी आप रोने लगी। नंबर फोर थोड़ा ट्रिकी है, एनी आस मरीला टू कॉल हर कॉर्डिला बिकॉज। क्यों वो क्यों बोलना चाहती थी कि वो मेरे को एनी मत बोलो और कॉर्डिला बोलो करके। तो एक तो रीज़न ये भी था कि शी फेल्ट इट वॉज अ मोर ब्यूटीफुल नेम, अच्छा नेम है ये, मुझे ही ज़्यादा ऑप्शन बेटर लग रहा है कि वे कॉर्डिला नेम वॉज नाइस। उसने एक जगह कहा भी है कि इट वुड बी आई वुड लव टू बी कॉल्ड कॉर्डिला, इट्स सच ए परफेक्टली एलिगेंट नेम। तो एक तो उसको उसने लव लव उस बताना चाह रही कि उसको पसंद है नाम, और क्यों पसंद है, ये एक एलिगेंट नेम है, बहुत ग्रेसफुल नेम है। तो यहाँ पे ये शी फेल्ट इट वॉज़ अ मोर ब्यूटीफुल नेम, या एलिगेंट नेम हम लोग बोल सकते हैं। और ऐसा भी है कि डी इट मेड हर फील हैप्पी एंड चेयरफुल। तो इतना ज़्यादा मीनिंग आ नहीं रहा डी का, तो मैंने ऑप्शन ए को करेक्ट माना है। अब सेक्शन बी देखते हैं, वर्क इन पेयर एंड आंसर द क्वेश्चन। तो बड़े क्वेश्चन हैं इसमें सेक्शन बी में, ये हम लोग अभी इसे बी के लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बी में, हु एंड व्हाट डू द प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन के प्लेस में यूज होते हैं, रेफर टू इन दिस सेंटेंसेस। तो जैसे हिज और हर और ही और शी, जब हम लोग यूज़ करते हैं किसी नाम के नेम के प्लेस, तो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो व्हाट डू दिस सेंटेंसेस टेल यू अबाउट द पीपल हु स्पीक देम। जो सेंटेंस दिए हैं दो पे, वो पहली बात तो है कि प्रोनाउन किसके लिए यूज़ किए गए हैं वो, दूसरा कि सेंटेंस जो होते हैं जो बोल रहे हैं उनके लिए, उनके बारे में क्या बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ए वाला, वेल शी डिडंट शी ब्रॉट हर, आई आज द स्टेशन मास्टर एंड आई हैड टू ब्रिंग हर होम, शी कुड नॉट बी लेफ्ट देयर, सो नो मैटर वेयर द मिस्टेक हैड कम इन। तो जब मैथ्यू आया, मैथ्यू की और मरीला की बात हुई, तो मैथ्यू बोला कि वेल शी डिडेंट शी ब्रॉट हर, आई आज द स्टेशन मास्टर। तो ये सब बातें वो बोला। तो यहाँ पे पहला शी किसके लिए यूज़ हुआ है? तो पहला शी जो है स्पेंसर, मिसेस मिस्टर स्पेंसर के लिए हुआ, मिस्टर था कि मिसेस थे उनके लिए यूज़ हुआ है, और उन्होंने बाय मिस्टेक जो है इसको भेज दिया था एनी को, या मिसिस स्पेंसर है ये, मिस्टर स्पेंसर नहीं, मैंने गलती से मिस्टर लिख दिया, इट इज़ ए मिसिस स्पेंसर, शी रेफर्स टू मिसिस रेफर स्पेंसर। एंड दूसरा आता है, या शी ब्रॉट हर, हर का मतलब हर यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ, एनी के लिए डेफिनेटली, तो हर रेफर्स टू एनी। देन थर्ड वन है कि अनदर शी यूज़ है, शी कुड नॉट बी लेफ्ट देयर, तो अगेन एनी के लिए यूज़ है शी, अगेन जो थर्ड वाला भी है वो भी एनी के लिए यूज़ हुआ। नाउ अब ये सेंटेंस जो है, जो स्पीकर है उसके बारे में क्या बताता है? तो ये सेंटेंस बताता है, दिस सेंटेंस टेल्स दैट मिस्टर मैथ्यू कथरबर्ट वाज ए काइंड हार्टेड एंड सेंसिबल पर्सन। तो उनको ये तो लग गया था कि ये मिस्टेक हो गई है, अब मिस्टेक हो गई है तो स्टेशन पे तो छोड़ के आ नहीं सकता था एनी को, तो वो थोड़ा उन्होंने सही किया कि वो घर पे लेके आ गए उसकी सेफ्टी के लिए। और दूसरी बात है कि वो थोड़ा काइंड हार्टेड भी थे, कि ऐसा ही नहीं कि किसी को क्या ऐसे ही नहीं छोड़ दिया बाहर में। तो ये
उन्होंने सही डिसीजन लिया एंड ही वॉज ए काइंड काइंड हार्टेड पर्सन। बी आता है इसका, आई माइट हैव एक्सपेक्टेड इट, नोबडी एवर डिड वॉन्ट मी, इट वॉज ऑल टू ब्यूटिफुल टू लास्ट। तो पहला इट जो रेफर होता है कि उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि उसके साथ थोड़ा बेकार अच्छा तरीके से बिहेवियर नहीं होगा। इट रेफर दैट एनी न्यू दैट हर वुड बी पेरेंट्स वुड नॉट लव हर, उसको ऐसा लग गया था कि उसको लव हर लाइक हर नहीं करेंगे करके उसको थोड़े पहले कॉम्प्लेक्स था ऐसा था। एंड नोबडी रेफर्स टू ऑल ऑल पीपल विथ होम एनी हैड लिव्ड बिफोर, तो नोबडी मतलब पहले भी उसके साथ ऐसा हो चुका है, तो जिनके साथ भी हो रही थी उन्होंने उसके उसके साथ उसको नहीं चाहा था अपने साथ रखना। तो ये यहाँ पर नोबडी का मतलब ऑल पीपल विथ होम एनी हैड लिव्ड बिफोर एंड इट इट ऑल दैट टू ब्यूटीफुल टू लास्ट, और ये सब जो है बहुत ब्यूटीफुल है तो इतना नहीं चला, मतलब बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। तो इट रेफर्स टू हियर हर अडोप्शन, जो नए पेरेंट्स ने उसको अडोप्ट करना था वो उस अडोप्शन को वो लोग इट रेफर कर रहे हैं। नंबर टू है, यस देर इज़ अ नीड, देर इज़ नीड, द चाइल्ड रेज हर हेड क्विकली शोइंग ए टीयर स्टेन फेस एंड ट्रेम्बलिंग लिप्स। सो वॉट इज़ देर अ नीड फॉर, क्या किस चीज़ की ज़रूरत थी? वो जब रो रही थी तो वो बोला नहीं नहीं इतना वो जरूरत नहीं है रोने की, नहीं नहीं ये बोली यानी नहीं जरूरत है रोने की बोल रही थी। द चाइल्ड रेज हर हेड क्विकली शोइंग ए टीयर स्टेन फेस एंड ट्रेम्बलिंग लिप्स, तो वॉट इज़ देर अ नीड फॉर, तो एनी सेड देर इज़ नीड टू क्राई बिकॉज शी फेल्ट हर्ट। जब उन्होंने बोला कि हमको तो बॉय चाहिए था, गर्ल आ गई, तो वो रोने लगी। तब ये जब रो रही थी तो वो मारिला बोली कि नहीं रोने की ज़रूरत नहीं है, तो बोली ये नहीं रोने की ज़रूरत है क्योंकि आई फील बैड। वाई वाज द नीड केम आउट केम अबाउट, क्यों ऐसी उसको रोने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो वैन एनी केम टू नो दैट शी इज़ नॉट वॉन्टेड एज दे वॉन्ट बॉय नॉट गर्ल एंड शी विल बी सेंड बैक, तो शी वॉज सैड एंड स्टार्टेड टू क्राई। तो पहले बात तो ये थी कि एक तो वो उसको यहाँ ज़रूरत नहीं है, उनको लड़का चाहिए था, लड़की आ गई है मैं, और दूसरी है कि उसको वापस भेज दिया जाएगा। तो ये दो बातें थी जिसके कारण वो रोने लगी। नंबर थ्री, यू सपोज सो डोंट यू नो इट, वेल नाउ शी इज़ रियल नाई लिटिल थिंग मरिला, इट्स ए काइंड ऑफ पिटी टू सेंड हर बैग वैन शी सो सो सेट ऑन स्टेइंग हर। तो ये बातें जो थी वो इसके जो मरीला के हस्बैंड थे वो उसको बता रहे थे कि नहीं नहीं मरीला ये तो आ गई है अब इसको हम लोग कह, मैथ्यू हैं वो जो बता रहे थे, तो मैथ्यू ने इनको ये बताया, सॉरी वो हस्बैंड वाइफ नहीं थे, एक ब्रदर एंड सिस्टर थे। तो मैथ्यू ने उसको बोला कि मरीला ये यहाँ पे आ गई है तो इसको हम भेजना ठीक नहीं रहेगा। तो व्हाट आर मरीला एंड मैथ्यू टॉकिंग अबाउट, तो दे वर टॉकिंग अबाउट वेदर टू कीप एनी विद देम और सेंड हर बैक, तो बिकॉज उनको लड़का चाहिए था तो वो उसको वापस भेजना चाहती थी मरीला, बट मैथ्यू जो था थोड़ा काइंड हार्टेड पर्सन था, उसको लगा कि गर्ल अच्छी गर्ल है और अगर वो वापस आ गई या रहना चाहती है तो उसको भेजना ठीक नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें बातें वो डिस्कस कर रहे थे। देन वॉट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन, ये बातचीत का क्या रिजल्ट रहा? तो रिजल्ट क्या था, मरीला हैज़ एग्रीड टू कीप एनी वे विद देम व्हेन मैथ्यू हैज़ रिक्वेस्टेड दैट एनी इज़ अ नाइस गर्ल एंड इट विल बी पिटी टू सेंड हर बैक, तो उसको वापस भेजना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा इसलिए उसको रख लेते हैं करके। फाइनली ये रिजल्ट रहा, वो उन दोनों ने उनको डिसाइड किया कि इसको रख लेंगे करके। सो दीज आर दी क्वेश्चन आंसर फॉर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, अदर सेक्शन आप लोग ट्राई करिए, देन इफ नहीं आने से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।